बैटल रॉयल गेमिंग का स्टेट देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया सेकेंड नंबर पे है इस टाइप के गेम खेलने के मामले में। क्या आपको ये पता है कि ये जो फ्री फायर गेम है इसको किस कंट्री में सबसे ज़्यादा खेला जाता है? इसको सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया में खेला जाता है। और क्या आपको ये पता है कि साल 2020 में अगस्त सितंबर के टाइम में फ्री फायर का जो एक्टिव प्लेयर्स था वो सबसे हाईएस्ट पिक पे गया था। उस टाइम 100 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स फ्री फायर को टच किया था, जो कि किसी भी और कंपिटिटर गेम से ज़्यादा है, जैसे उस टाइम का पबजी और बाकी गेम्स। क्या आपको पता है फ्री फायर को गैरिना ने नहीं बनाया, एक्चुअली में वियतनाम की एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम 111 Dots है वो इस गेम को डेवलप किया था। बाद में गैरिना ने इसे फंडिंग किया था। इस चीज़ को देखकर कि ये तो काफ़ी अच्छा गेम है और ये बहुत आगे जा सकता है, और ऐसे इसका नाम पड़ा गैरिना फ्री फायर। और ये जो आप स्क्रीन पर पिक देख रहे हो ये अभी का इसका हेडक्वार्टर है, गैरिना का एक्चुअल हेडक्वार्टर्स फॉरेस्ट ली। ये गैरिना कंपनी के मालिक है और इनका करीब 45% ओनरशिप है गैरिना में। मतलब अभी जो इतना सक्सेसफुल हुआ है फ्री फायर उसके पीछे आप इनका ही हाथ समझ सकते हो। और अगर कमाई की बात करें तो थाईलैंड टॉप कंट्री है जो फ्री फायर से सबसे ज़्यादा कमाया है। मीन्स जो टूर्नामेंट के थ्रू जो प्लेयर्स की अर्निंग होती है ना उसी की बात हो रही है। सेकेंड में है ब्राज़ील जो कि करीब $2.5 लाख तक कमाया है। इंडिया की बात करें तो वो सिर्फ $16K कमाया है। और इंडिया में भी गैरिना कंपनी बहुत सारे टूर्नामेंट रखने का प्लान कर रहे थे लेकिन वो सारे प्लान डिले हो गए हैं, बट अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है इंडिया के इंटरेस्ट को देखते हुए। शायद अर्निंग के मामले में इंडिया टॉप में आ जाए, मे बी। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।